लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए देखा जाएगा। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए देखा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा कराते हैं, कई बार खुद करते हुए नजर आते हैं हेलीकॉप्टर से, वो नजारा आप सबने देखा होगा। लेकिन सवाल लगातार उन पर उठते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान इतनी सुविधा दी जाती है, जबकि नमाज को लेकर अक्सर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं लोग कि योगी आदित्यनाथ बराबरी की बात नहीं करते। लेकिन अगर आप योजनाओं का विस्तार देखेंगे तो वो बराबरी से हो रहा है। लाउड स्पीकर का फैसला आया तो वो मंदिर मस्जिद दोनों के लिए आया, उसके बावजूद भी ये एक फर्जी नैरेटिव आप इसे कह सकते हैं जो सरकार के खिलाफ चलाया जाता है, और हर बार ये नैरेटिव नेस्तनाबूद हो जाता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल है जिसमें वो आर पार की बात कर रही हैं। यूं तो ये महज 12 सेकंड का बयान है, और मैं आपको बताऊं कि इस बयान में योगी आदित्यनाथ क्या कह रही हैं, आप खुद सुन लीजिए। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए देखा जाएगा। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली। योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को शेयर करते हुए हर्ष मौर्य नाम के यूजर लिखते हैं, हम सरकार में आए और कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दी तो लोगों ने कहा कि दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए। फायर ब्रांड से भी आगे के भाषण, चुनाव छोड़ो पूरे हिंदू समाज को जागृत कर डाला है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा हो या फिर हिंदुओं का कोई भी पर्व, उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बिना किसी अराजकता के मनाया जा रहा है, और कहीं भी किसी भी कोने से अगर किसी भी तरह की खबर आती है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है तो फिर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। और इसके अलावा चाहे मुसलमानों के त्यौहार हो चाहे हिंदुओं के त्यौहार हो, किसी पर कोई रोक नहीं है। हाँ, सुरक्षा बलों को जरूर काम पर लगा दिया जाता है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी जाती है ताकि किसी भी त्योहार में कोई भी अड़ंगा लगाने की कोशिश ना करे। लेकिन योगी के लिए एक ही बात बार बार फैलाई जाती है विरोधियों द्वारा कि वो भेदभाव करते हैं, लेकिन भेदभाव से इतर कांवड़ यात्रा को लेकर जो उन्होंने बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है इस वक्त भी, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर से सुन लीजिए योगी ने क्या कुछ कहा। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहन और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, सर्वत्र है चंगा, वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है, बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं, इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं, 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा,
हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है।